हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पेटी कैश की। देखिए, कैश का लेजर टैली में पहले से बना होता है, फिर हमें बनाने की जरूरत ही नहीं। तो कैश का लेजर बिल्कुल मत बनाइएगा, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जिनमें हमें कैश का लेजर बनाना पड़ता है। अब वो स्पेशल कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ तो देवरिया में एक एस्परा ज्वेलर है, मैं उसी का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल के तौर पे उसी को ले लेते हैं। वहां पर आप एक बहुत बड़े पोस्ट पे काम कर रहे हैं और वहां पर आपको बट्टे वाले चाय पीने का मन करता है, ठीक है। तो सारी चीजें कैश में डील नहीं होती है, सारी चीजें ऑनलाइन डील होती है, यानी कि जो भी चीजें होती है अकाउंट टू अकाउंट डील होती है। ऐसे कंडीशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, हम सोचते हैं कि फिर कैश वाली एंट्री कैसे पास होगी, समझ रहे हैं आपको। तो कैश के लिए कैशियर जो वहां का होगा, जो भी कैश का काम देखता होगा, वो क्या करेगा, आपको कुछ कैश दे देगा साइड से। जैसे मान लीजिए आपको बट्टे वाले चाय पीने का मन है, तो वो तो भाई पेटीएम लेके घूम नहीं रहा है कि देखिए आप पेटीएम कर दीजिए। तो ऐसे कंडीशन में होगा क्या कि वो आपको दे देगा कुछ कैश, जो कैशियर होगा। और जब कैश दे देगा तो उसी से आप निकाल करके अपना काम कर सकते हैं, या जो भी कर्मचारी वहां रहते हैं, जो भी स्टाफ रहता है, वो उसी से काम करते हैं। तो इसको बोलते हैं पेटी कैश। और ये 90-95% कंडीशन में बनता नहीं है इसका लेजर। बनता कब है? बनता तब है जब 5% में इसकी जरूरत पड़ती है। तो यही है पेटी कैश। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है, इसको हम सिस्टम पे देखेंगे, ठीक है। ओके,